हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बार फिर एक नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ। सो ये ट्रिप बहुत टाइम से प्लान था बट फाइनली हो पा रहा था। फिर कल रात को बहुत सारे डिस्कशन, कैंसिलेशन, फाइनलाइजेशन के बाद फाइनली हम घर से निकल चुके हैं और ट्रिप पे जा रहे हैं। अब रास्ते में क्या होता है, कैसा होता है, हम देखते हैं। क्योंकि पिछले 3 दिनों से पुणे में बहुत बारिश हो रही है एंड वी वर लाइक कि शायद नहीं जा पाएंगे, बट अब हम निकल तो गए हैं। अब आगे तो जाके ही पता चलेगा, अगर पुलिस रास्ते से वापस भेज देती तो वापस आना पड़ेगा, बट आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। आगे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर हमने क्रॉस कर लिया है। रास्ते में अभी चेक पॉइंट पड़ा था जहाँ पुलिस ने बोला हमको कि कहाँ जा रहा है, तो हमने बता दिया। और फिर उन्होंने बोला जाओ जाओ घूम के वापस आओ क्योंकि रास्ता बंद है। तो हमको देखना है कि हम जहाँ तक जा रहे हैं पंचगली तक, वहाँ तक रास्ता खुला है या नहीं। हम डायरेक्ट महाबलेश्वर नहीं जा रहे हैं, महाबलेश्वर का रास्ता बंद है, बट ऐसा अभी तक हमको ये पता है कि पंचगली तक इट्स फाइन। सो ठीक है, हम रास्ते में रुके हैं चाय पानी के लिए और मैं आपको दिखाती हूँ, ये जगह बहुत प्यारी है। तो कैमरा टर्न करती हूँ। और जितना हमने सोचा था, जितना हमने सुना था, बहुत खराब मौसम है, रास्ते बंद है। आई गेस महाबलेश्वर के होंगे, बट पंचगनी तक रास्ता ठीक था, इट वॉज़ फाइन। ऐसा एक दो जगह पे छोटे छोटे लैंडस्लाइड हुए थे बट हमको ऐसे सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई आने में। एंड बीच में चेक पोस्ट थे बट उन्होंने जाने दिया, तो हम आ गए फाइनली मेरी फेवरेट प्लेस पे, सेम रिजॉर्ट। और ये व्यू Good morning, and this is day 2 in Panchgani.
सो विल बी लीविंग टुडे, बट अभी मेरे पास कॉफ़ी आई है, बिल्कुल एकदम बढ़िया सी कॉफ़ी, एंड आई एम लाइक वेरी वेरी हैप्पी. अब मैं जल्दी से जाती हूँ और देखती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है, एंड बिकॉज सारे पॉइंट्स वगैरह सब बंद हैं तो हम कहीं कुछ खास जा तो नहीं पाएंगे. तो आई जस्ट थिंक यू विल स्पेंड सम टाइम हियर. कल रात को मैंने ज़्यादा क्लिप्स लिए नहीं क्योंकि लाइट ही नहीं थी, बट हमने बहुत मस्ती की, गाने गाए, उन्हों खेला, देन गिटार भी बजाई मेरे फ्रेंड ने, और एक हमारे पास स्पेशल गेस्ट था जिसने गाने भी गाए. तो आई जस्ट ऐड द क्लिप, आप वो देखो, तब तक मैं जाके देखती हूँ नाश्ते में क्या है, फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं वीडियो को. सांस है रान है, मन परेशान है, क्या करूं मैं, बुरा ये जाने तेरी आंखों का ये बड़ा सांस हो गया, ना भी आंखें जो तेरी देखी शराबी वास्ता जैसा किसी प्यार में फंसा, बट मैं मेरे यार में बसा, ये प्यार वार छोड़कर सपनों में लाई, जब मेरे यार उसी ने ये मालूम मेरी मांग मुझसे गिनी, हमारी औकात नहीं, हाँ बहुत ठोकरे खाई, औकात नहीं मिल पाई, बहुत रोने आई भाई, बहुत रोने आई, क्या करूं भाई, इतनी धुंधली रंग लाई, मेनू मन में आया एक छंद, हो गया है वो सुगंध, थारी नजर कितने फसी लड़कियों के प्यार में नजर, हटाओ तुसी लड़कियों के प्यार से, ये अपनों को बुलाएगी, कपड़ों को भी बुलाएगी, संभालो संभालो थारी नजर को संभालो, अच्छी वो लड़की होती है जो दिल ना देती पहले इकरार में, प्यार में जान ना देते वही असली प्यार है, जान देगा तू तो प्यार कैसे करेगा, अच्छे कर्म में तेरे जार कैसे करेगा, मरेगा तेरी बुरी सोच लेके तू मरेगा, अजी 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 किन्ने वास्ता, क्यों टुकरेला मेनू के रब मेरा रास्ता, ये पास्ता पकड़ तेरा रास्ता, जीव या मुन किन्ने वास्ता, ये प्यार वार मैंने नहीं किया, बट प्यार का इकरार मैंने किया, हाँ देख तेरा हाँ मैं उसका चित्र, कब बनेगी तू मारी मित्र, अजी से कहा उसी मत रो, बस यार के लिए जियो, परिवार के लिए जियो, सच्चे प्यार के लिए जियो, बस यार के लिए जियो, परिवार के लिए जियो, सच्चे प्यार के लिए जियो, अमर रहे सबके माँ बाप, अमर रहे 100 साल उम्र रहे, अमर रहे, अमर रहे सबके माँ बाप, अमर रहे 100 साल उम्र रहे. After breakfast we went for a walk, और होटल के बिल्कुल पास में ये बहुत ब्यूटीफुल झरना था छोटा सा, तो उसके मैंने थोड़े से क्लिप्स लिए. Thank you.
रेस्टोरेंट में आए थे, यहाँ पे हमको स्ट्रॉबेरी विद क्रीम मिल गया इस मौसम में एंड आई वाज वेरी हैप्पी। और यहाँ से हमने शॉपिंग की थोड़ी सी, मतलब ये शॉपिंग, एंड ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी जगह है, ये रेस्टोरेंट है, बाहर बैठने का अरेंजमेंट है, बट क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए हम अंदर ही बैठे थे। अब हम घर जा रहे हैं, सो हमारा ट्रिप ऑलरेडी यहाँ से घर के लिए स्टार्ट हो चुका है। और अब मैं आपको रास्ते के थोड़े बहुत अच्छे अच्छे व्यू दिखाऊंगी। पहले मैं आपको सामने दिखाती हूँ, एक छोटा सा लैंडस्केप जैसा है, बहुत प्यारा दिख रहा है, उसमें जो फ्लावर्स है वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो मैं कैमरा टर्न करके पहले आपको मुझे दिखाती हूँ।